हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 22 फरवरी 2018 के करंट अफेयर्स। पहले वन लाइनर है, फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन, आइए वन बाई वन देखते हैं। अगर आप डेली वॉच कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, ये 10 मिनट के अंदर वीडियो कवर हो जाएगा और आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह मुस्लिम बाहुल देश जिसमें पहली बार महिला फैशन वीक आयोजित किया जा रहा है। जनरली क्या होता है, मुस्लिम कंट्रीज इन सब चीज़ों की बढ़ावा नहीं देते हैं। मुस्लिम फैशन वीक, महिलाओं को जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज़ों के लिए जो है मुस्लिम देश जो है अलाउ नहीं करते थे, इसलिए न्यूज़ में है। वह मुस्लिम बाहुल देश जिसमें पहली बार महिला फैशन वीक आयोजित किया जा रहा है, तो कौन सा देश है? सऊदी अरब, याद रखिए सऊदी अरब। आइए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इजरायली सहयोग से पूर्वोत्तर में पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च को किस राज्य में किया जाएगा? तो मिजोरम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजरायली सहयोग से पूर्वोत्तर में पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च को किस राज्य में किया जाएगा? तो ये मिजोरम में, याद रखिए। आइए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में बागोरी गंगा ग्राम परियोजना, बागोरी गंगा ग्राम परियोजना किस राज्य में शुरू की है? तो ये उत्तराखंड में। बागोरी गंगा ग्राम योजना कहाँ शुरू की है? उत्तराखंड में। आइए अगला देखते हैं, ये क्रिकेट से क्वेश्चन है। अभी दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच जो है T20 सीरीज चल रही है, इसमें यजुवेंद्र चहल ने जो है सबसे ज़्यादा रन दिए हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा। देखते हैं, आइए। भारतीय स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने 21 फरवरी 2018 को सेंचुरियन में, स्थान भी इधर याद रखिएगा, सेंचुरियन अफ्रीका में, सेंचुरियन में मेज़बान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में कितने रन देकर अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे महंगे खिलाड़ी के भारतीय के द्वार बन गए हैं? तो ये 64 रन दे के, कितने रन देंगे? 64 रन। अच्छा देखिए, क्रिकेट से तीन तीन क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हाल ही में वनडे सीरीज संपन्न हुई है दक्षिण अफ्रीका में, 6 मैचों की सीरीज थी जिसमें भारत ने 5-1 से जीत लिया है। इसमें क्या याद रखना है, एक तो 5-1 से जीत लिया है, दूसरा इसमें याद रखना मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है? विराट कोहली को, ये नाम भूलना नहीं है, विराट कोहली को जो मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है। और एक क्रिकेट से और क्वेश्चन, हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों फॉर्मेट में कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो जैसे टी ट्वेंटी टेस्ट क्रिकेट और वनडे में 5 विकेट लिया है? तो 5 विकेट लेने का ये गौरव जो है भुवनेश्वर कुमार को प्राप्त हुआ है, भुवनेश्वर कुमार। ये तीन नाम याद रखना है, ये भुवनेश्वर कुमार तीनों फॉर्मेट में जो है 5 विकेट लिए हैं, पहले भारतीय हैं। और दूसरा जो है, अभी जो करंट में सीरीज चल रही है, वनडे सीरीज चल रही थी, उसको इंडिया ने 5-1 से जीत लिया, इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन है? विराट कोहली, भारतीय कप्तान। और तीसरा क्वेश्चन है कि जो दूसरे T20 मैच में जो है अफ्रीका के खिलाफ पहले भारतीय गेंदबाज यजुवेंद्र चहल बन गए, जो 64 रन दे के सबसे महंगे भारतीय गेंदबाज बन गए। आइए अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय शहरी आवास कोष का गठन को मंजूरी दी? तो कितने करोड़ रुपए की लागत का? तो ये 60,000 करोड़ रुपए। अगला ये देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्रिकेट से एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा। एक जो अभिनेता या राइटर जिनकी डेथ हो जाती है, किससे संबंधित होती हैं, तो ये पर्सनालिटी के बारे में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध तेलुगु हास्य अभिनेता का निधन हो गया, इनका क्या नाम है? ये गुंडा हनुमंत राव, याद रखिए, प्रसिद्ध तेलुगु हास्य अभिनेता। इनका ऐसे भी पूछा सकता है, गुंडा हनुमंत राव किस फील्ड से थे? ये अभिनेता थे। ये किस भाषा से संबंधित थे? तो तेलुगु से संबंधित थे। आइए अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये महानदी। किसकी? महानदी। आइए अगला देखते हैं। हीराकुंड डैम, देखिए उड़ीसा में हीराकुंड डैम जो है किस नदी पे है? महानदी में। ये भी याद रखिए, महानदी पे जो है हीराकुंड डैम। ये दो तीन चीज़ें याद रखिए, हीराकुंड डैम जो है महानदी पे कहाँ है? उड़ीसा। आइए अगला देखते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान 81, 81वां स्थान है भारत का। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 81। अब ये भी पूछा जा सकता है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आइए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक भारतीय महिला फ्लाइंग ऑफिसर जिन्होंने अकेले मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा, इनका नाम क्या है? अवनी चतुर्वेदी। मिग 21, मिग 21 का नाम आएगा। भारतीय महिला फ्लाइंग ऑफिसर जिन्होंने अकेले मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा है, तो ये कौन है? अवनी चतुर्वेदी। नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं, स्वदेश निर्मित हल्के यात्री विमान का नाम जिसने दूसरी सफल उड़ान भरी है। स्वदेश निर्मित हल्के यात्री विमान जिसने दूसरी दूसरी सफल उड़ान भरी, क्या नाम है? सरस। क्या नाम है? सरस। आइए अगले देखते हैं, अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? उनकी राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? मक्कल नीत मय्यम। अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? मक्कल नीत मय्यम, याद रखिए। आइए अगला देखते हैं, अभी यूपी में जो है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन 2 दिन के लिए किया गया था, तो इसमें आइए देखते, देखिए यूपी इन्वेस्टर्स समिट में किस कंपनी ने 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की, तो ये कौन है? रिलायंस जियो, रिलायंस जियो। आइए इस पर आधारित अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हम प्रयास करते हैं कि 10 मिनट के अंदर डेली के डेली करंट अफेयर्स से आप लोग अपडेट हो जाएं। आइए इसमें 10 क्वेश्चन है, आइए वन बाय वन देखते हैं। भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर का क्या नाम है जिन्होंने अकेले मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा है, तो चारों ऑप्शन पहले देखते हैं। चारों ऑप्शन देखने से क्या होगा? एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए पहला जो है कौन है? अवनी चतुर्वेदी। दूसरा है संगीता त्रिवेदी। तीसरी है आकृति त्रिपाठी। और चौथी है संभावना कृपलानी। तो भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर का क्या नाम है जिन्होंने अकेले मिग 21 बाइसन, ये भी याद रखिए, मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा, तो ये कौन है? अवनी चतुर्वेदी। ए ऑप्शन अवनी चतुर्वेदी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेश निर्मित हल्की यात्री विमान का क्या नाम है जिसने हाल ही में दूसरी सफल उड़ान भरी है? स्वदेश निर्मित हल्की यात्री विमान का क्या नाम? पहले देखते हैं चारों ऑप्शन। उस स्वदेश निर्मित हल्के यात्री विमान का नाम क्या है जिसने दूसरी सफल उड़ान, देखते हैं। पहला है कमल, दूसरा है सरस, तीसरा है ज्ञानी, चौथा है चपल। तो स्वदेश निर्मित हल्की यात्री विमान का क्या नाम है जिसने दूसरी सफल उड़ान, तो उसका नाम बी ऑप्शन सरस, याद रखिए बी ऑप्शन सरस। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? आइए चारों ऑप्शन देखते हैं। पहले देखिए पहला है रक्कम देवी संयम, दूसरा है मक्कल नीति मय्यम, तीसरा है नीति बाहु संभाली, चौथा है अड़कम नीत खय्यम। तो अभिनेता कमल हसन द्वारा नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? बी ऑप्शन मक्कल नीति मय्यम, याद रखिए मक्कल नीति मय्यम। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश में पहली बार महिला फैशन वीक आयोजित किया जा रहा है? तो चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला है ईरान में, या कुवैत में, या जॉर्डन में किया जा रहा है, या सऊदी अरब में। तो मुस्लिम बहुल देश में जो है पहली बार फैशन वीक आयोजित कहाँ किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है सऊदी अरब में, डी ऑप्शन सऊदी अरब में, याद रखिएगा। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजरायली सहयोग से पूर्वोत्तर में पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च को किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? तो चार ऑप्शन देखते हैं। पहला है मिजोरम है, दूसरा है असम है, तीसरा है मणिपुर है, चौथा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें क्या सही है? मिजोरम। ए ऑप्शन याद रखिए मिजोरम।
बहुत इम्पॉर्टेंट है। इजरायली सहयोग से पूर्वोत्तर में पहले क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च को कहाँ किया जाएगा? मिजोरम। याद रखिए मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन मिजोरम। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में किस कंपनी ने 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है महिंद्रा, दूसरा है फॉर्चून, तीसरा है रिलायंस जियो, चौथा है सन फार्मा। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में किस कंपनी ने 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है? तो ये है रिलायंस जियो। सी ऑप्शन कौन है? रिलायंस जियो। आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में बागोरी गंगा ग्राम परियोजना किस राज्य में शुरू की है? पहला देखते हैं उत्तराखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा है पंजाब। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में बागोरी गंगा ग्राम परियोजना कहाँ शुरू की? ए ऑप्शन उत्तराखंड में। बागोरी गंगा ग्राम परियोजना कहाँ शुरू की है? उत्तराखंड में। आइए अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से कितने करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी दी? राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के आइए चार ऑप्शन देखते हैं। पहला है 60,000 करोड़, दूसरा है 10,000 करोड़, तीसरा है 15,000 करोड़, चौथा है 80,000 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के लिए राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो 60,000 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन है 60,000 करोड़ रुपए। ये है राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन के लिए। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध तेलुगु हास्य कवि का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? देखिए चारों ऑप्शन यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो गलती आप करेंगे उसको एग्जाम में नहीं रिपीट करेंगे। तो पहला है हनुमान कामत राव, दूसरा है गुंडा हनुमंत राव, तीसरा है सूर्या हनुमंत राव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध तेलुगु हास्य अभिनेता जिनका निधन हाल ही में हो गया, तो ये कौन थे? गुंडा हनुमंत राव। कौन थे? बी ऑप्शन गुंडा हनुमंत राव। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है गुंडा हनुमंत राव क्या थे, किस फील्ड थे, साहित्यकार थे, अभिनेता थे, क्या थे ऐसे? तो अभिनेता थे ऐसे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में सारी डिटेल अभी याद कर लीजिए। आइए दसवां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो चार ऑप्शन देखते हैं। पहला है महानदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है यमुना नदी, चौथा है सोन नदी। तो हाल ही में किस नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ए ऑप्शन है, ये है महानदी। महानदी ए ऑप्शन है, महानदी, जिस नदी के जल विवाद के न्यायिक निपटारे का प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। अब ये डेली करंट अफेयर्स में ये 22 फरवरी 2018 करंट अफेयर से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर आप लोगों को कोई कमी महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, हर वीडियो, हर कंटेंट, हर चीज़ को हर किसी को पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग जो है जिनको जो पसंद आ रहा है वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, अगर सब्सक्राइब आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आगे के नोटिफिकेशंस के लिए जो वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कमेंट जरूर करिए। अगर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।